Hey, hello everyone, this is Rick the performer. I definitely all are doing good. So as usual, टुडे इज़ अ ट्यूजडे एंड मैं लेकर आया हूँ और एक स्टोरी आप सबके सामने। तो आज का स्टोरी भी मेरे लाइफ के ऊपर बेस्ड है, एकदम सच्ची घटना पे आधारित है। तो हेडिंग देख के आप तो अब तक जान ही गए हैं कि क्या है, क्या चीज़ होने वाला है। तो आज का जो टॉपिक का बेस है वो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो जैसे आपने वो तो फेमस डायलॉग शाहरुख खान जी के सुने ही होंगे कि आप अगर शिद्दत से कुछ चीज़ों को चाहते हो तो पूरे कायनात लग जाते हैं आपको उनसे वो मिलाने में। तो बात तो सही है। और आपने कई बार वो YouTube में लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो डॉक्यूमेंट्री है वो भी देखे होंगे। सो कहीं ना कहीं ये ट्रू है। अभी मैं उतना टेक्निकलिटी में नहीं जाऊँगा, जो मेरे साथ घटा है मैं आपको वो बताने की कोशिश करूँगा। तो 2017 की बात है, 2017 में एक कोई कंपटीशन के बदौलत मैं मुंबई में गया था। कोई एक मॉल पे कंपटीशन था और कंपटीशन में हार के मैं जीत नहीं पाया, बट जब ख़त्म करके आ रहा था तो उसी मॉल पे शार्ली शेटिया जी का एक कॉन्सर्ट चल रहा था। शार्ली शेटिया उस टाइम पे मतलब ऑलरेडी स्टार्टेड लाइक गेटिंग फेमस फ्रॉम 2016 एंड 17। आई एम फॉलोइंग शार्ली शेटिया सीज लॉन्ग लाइक फ्रॉम द बिगिनिंग। एंड जिन लोगों को पता नहीं हुई शार्ली शेटिया लाइक शी इज़ ए गुड सिंगर एज वेल एज नाउ सिंगर कम एक्टर एंड मॉडलिंग। सो शी इज़ लाइक यू कैन से लाइक पब्लिक फिगर नाउ। सो शी इज़ वेरी फेमस नाउ। तो उनके तुम ही हो गाने से उन्होंने वो फेमसिटी लाए। सो एक होता है कि अंदर से मतलब एक इन्फैचुएशन बोलिए, एक अच्छा लगने वाला चीज़ है, तो ये पहले से ही था उनके तरफ। तो मुझे आई वाज लाइक वेरी क्यूरियस टू लाइक गेट इनटू द शो जो कॉन्सर्ट चल रहा था, लेकिन उस टाइम पे हो नहीं पाया क्योंकि एक तो बहुत भीड़ था, ऊपर से शायद वो एंट्री पासिस भी ले रहे थे, क्योंकि जिस मॉल के बारे में बता रहा हूँ उसके सेकेंड फ्लोर पे, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग फर्स्ट फ्लोर या सेकेंड फ्लोर, आई होप दैट पीपल हु स्टेज इन मुंबई लाइक ऑलरेडी स्टार्टेड गेसिंग विच द मॉल इज, आई एम नॉट टेकिंग द नेम। तो उसके अंदर की तरफ होता है जहाँ पर मैं आगे धीरे धीरे आ रहा हूँ, अंदर की तरफ होता है जहाँ पर मतलब प्राइवेट करके शोज चलते हैं, प्राइवेट शोज भी चलते हैं मॉल के अंदर भी प्राइवेट शोज चलते हैं ऐसा। तो आप सोचिए कौन सा मॉल है, अभी नेक्स्ट आने वाला हूँ मैं तो आप एकदम समझ जाएंगे कौन सा वाला मॉल मैं बता रहा हूँ। तो 2017 की बात है, तो मैं ऐसे उस टाइम मैं पुणे में रहता था, तो वैसे धक्का मुक्की फिर मिला तो, लेकिन मुझे उनको उनका दर्शन नहीं मिला तो मैं चला आया थोड़ा डिजर्टेड होके। अब मैं कट टू 2018 में हंगामा इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट अलाउड के तरफ से एक अवार्ड होता है, अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो आमा अवार्ड जिसको बोलते हैं, अभी इस साल भी हो रहा है, ईमा अवार्ड है उसका नाम, उन्होंने थोड़ा चेंज कर दिया, इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट अलाउड के तरफ से है तो हंगामा इनिशिएटेड। सो उसके तरफ से आई वॉज लाइक सिलेक्टेड टॉप 5 सिंगर्स, मेल सिंगर्स। सो आई वेंट द सेम मॉल एंड बहुत सारे लोगों ने उस टाइम पे मुझे फेसबुक में लाइव भी देखा था हंगामा के पेज से एंड लॉट ऑफ अदर मीडियाज़। मैं बहुत जल्दी चला गया था, पहला बार था मेरा स्क्रीनिंग पे मेरा नाम दिखा सब कुछ, मतलब एकदम एंड द नॉमिनीज आर लाइक दैट। That feel, it's awesome. So, क्या वो तो ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी बात जो हुआ था ना उस टाइम पर, बहुत बड़े बड़े दिग्गजों से मिले मैं, तोची रायना सर से मिला, अजय घी सर से मिला, तो लॉट ऑफ लाइक गुड पर्सनैलिटीज, बिग पर्सनैलिटीज फ्रॉम हंगामा चैनल इटसेल्फ, शॉमिनी मैम एंड लॉट ऑफ पीपल हुम लाइक आई लाइक हु आर ऑल माई आइडल्स। सो ये इन सब में से एक जो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो मैं बहुत टाइम ले रहा हूँ, मैं जिस रो पे बैठा था वो था सेकेंड रो, ठीक है, और उसी रो पे मेरे बगल में लेफ्ट साइड में बैठे थे चिंटू सर, जो इंडस्ट्री के बहुत बड़े गिटारिस्ट हैं, बहुत सारी फिल्मों में उन्होंने अभी देखते भी हैं, अब उनको इंडियन आइडल वगैरह में भी आते हैं, तो उनसे भी बहुत बातचीत हो रहा था।
मेरे राइट साइड में और एक लेखिका बैठी थी, और फिर एक एक सीट छोड़ के आपको बिलीव नहीं होगा कौन बैठी थी, शाली शेटिया। तो इट वॉज लाइक ड्रीम कम ट्रू। बट अद्भुत चीज़ ये है, जब बोलते हैं ना कि शायद मतलब आप जो सच्चे दिल से चाहते हो पूरा होता है, लेकिन उस टाइम पे मैंने शायद, मुझे पता नहीं क्या फील हुआ, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होना चाहिए था, मैं बहुत एक्साइटेड था अंदर से, बट मैंने गया भी नहीं उनके पास और सेल्फी भी नहीं लिया। बट डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम, क्योंकि मैं शौक था और मैंने फिर वीडियो किया था उनका थोड़ा बहुत जब वो अवार्ड लेने के लिए गए थे। सो बात ये है दोस्तों, मतलब आप अगर सच्चे दिल से कुछ चाहते हो ना और अगर काम अच्छे से करते जा रहे हो ना, तो वैसे भी आपको कोई नहीं रोक सकता। और ऐसे भी ज़िंदगी में, कैसे डे टू डे लाइफ में बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाते हैं, और जब आप सक्सेस की तरफ आते हो ना, तब बहुत सारे लोग ऐसे आएंगे ना जो आपको पीछे के खींचने की कोशिश करेंगे। ऐसे भी हो रहे हैं मेरे साथ भी, तो लेकिन आप इन सब चीज़ों को इग्नोर मारो। बहुत सारे झूठे लोग भी मिलेंगे आपको, जो झूठे छूटे चीज़ बताएंगे, झूठे छूटे चीज़ बता के आपको डराने की कोशिश करेंगे, आपको पीछे खींचने की कोशिश करेंगे। तो ये सब चीज़ें आप इग्नोर मारो, लाइफ में करो वही जो दिल का है, क्योंकि सब लोग एक ही ज़िंदगी लेके आए हैं और सब चले जाएंगे। ऊपर वाले का हिसाब सब होता है। आप अगर किसी के लिए गलत करते हो, गलत चाहते हो, अब कभी कभी क्या होता है ना, लोग ना समझ के भी गलती कर बैठते हैं, हाँ, ये उनको समझ ही नहीं आता कि ये गलत है, तो वो उसके लिए तो मैं सोचूं कि भगवान माफ़ी करे। और वैसे भी मैं किसी का बुरा भला तो चाहता नहीं, मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग मोटिवेटेड रहो, पॉजिटिव रहो। मैं हमेशा लोगों को पॉजिटिव रहने की सलाह देता हूँ। मैं कभी किसी से कभी कोई गलत काम किया भी नहीं, और मैं डेफिनेटली चाहता हूँ कि आप लोग भी हिम्मत करो और अच्छे चीज़ बांटो, पॉजिटिविटी बांटो। ये नेगेटिविटी, लोगों को परेशान करना, ये सब चीज़ें अच्छा नहीं होता। तो बी पॉजिटिव गाइस, ये बोलने का ये मतलब है। स्टोरी बहुत छोटा रखा मैंने, क्योंकि बहुत सारे काम एक साथ चल रहे हैं, बट आई एम कमिटेड दैट आपको पास आना ही है मुझे एवरी ट्यूजडे एंड थर्सडे। सो दैट्स वाई आई एम मेकिंग माई कमिटमेंट एंड थैंक यू सो मच। सो बिलीव कीजिए दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन इट इज़ ट्रू, एंड बिलीव कीजिए एक पर्टिकुलर चीज़ों के ऊपर कि हाँ, अगर आपको सच्चे दिल से चाहते हो तो डेफिनेटली आपको मिलेगा। सो थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर एवरीवन एंड बाय बाय। सो हम लोग फिर से मिलेंगे नेक्स्ट, मतलब कमिंग थर्सडे, एक दिन के बाद, विथ न्यू सम स्टोरीज। पता नहीं कौन सा स्टोरीज है, बट स्टे ट्यून। थैंक यू।